आगामी होली पर्व को देखते हुए बाजार में नकली सामान और मिलावटी वस्तुओं की जानकारी लेने खाद्य विभाग की टीम ने विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर खाद्य पदार्थों का सैंपल लेकर जांच किया। होली के पर्व पर खाद्य सामग्रियों की बिक्री काफी बढ़ जाती है, जिसमें विशेष रूप से दूध, पनीर एवं मिठाइयाँ होती है। खाद्य सामग्रियां संचालकों द्वारा अधिक बिक्री करने हेतु गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता और कई जगह पर मिठाइयों और खाद्य सामग्रियों में मिलावट भी देखी जाती है। इसके लिए दुर्ग SDM ने पत्रकारों को बताया है कि त्योहार के सीजन में लगातार खाद्य सामग्रियों की जांच की जा रही है और किसी भी तरह की मिलावट पाए जाने पर कार्रवाई कर खाद्य सामग्री को सील कर दिया जा रहा है और कानून के अनुसार कार्रवाई भी करने की बातें कही। साथ ही संचालकों से अपील की गई है कि वह गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें और मिलावट से बचे। देखिए, जब भी त्यौहारी सीजन आते हैं तो जो खाद्यान्न सामग्री है उनकी बिक्रियां बढ़ जाती है, और जहां खाद्यान्न सामग्री की बिक्रियां बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं क्वालिटी से भी कुछ दुकानदार या कुछ विक्रेता अगर इसमें कमी ले ही आते हैं, तो उसी तारतम्य में जो मिष्ठान भंडार हैं, अन्य खाद्यान्न सामग्री बनाने वाले दुकान हैं, वहाँ पर जाँच की जा रही है और उनका सैंपल भी लिया जा रहा है और लैब भी भेजा जा रहा है। यदि सैंपल फैल आता है तो उस पर जो प्रावधान है फूड सेफ्टी के आधार पे उसमें भी कार्रवाई की जाती है। और ये सैंपल इसलिए लिया जाता है ताकि कोई खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता या उसकी मानकता के साथ कोई छेड़छाड़ी ना करें, जिससे कि किसी खाद्यान्न सामग्री के यदि गलत बनती है तो उसका स्वास्थ्य पर बुरा असर प्रभाव पड़ता है। तो इसी तारतम्य में पूरी जांच भी की जा रही है और दुकान संचालकों से अपील भी की गई है और उन्हें निर्देशित भी किया गया है कि वो अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखें और खाद्यान्न सामग्री को सही तरीके से ही बनाए। हाँ, कुछ जहाँ पर ऐसे कमी पाई गई थी और जिनका जो फूड सैंपल है वो लैब से फेल हो गया था, तो उन पर कार्रवाई भी की जा रही है और उनका कोर्ट में अभियोजन भी चल रहा है और ऐसे प्रकरण में कार्रवाई की जाती है। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।